हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ मेरे दिलीप ज्योति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि फ्लैक्स बैनर प्रिंट कैसे होता है। आज मैं अपने ऑफिस का मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बैनर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। आपका फ्लैक्स बैनर प्रिंट इसी मशीन से होगा, इसी मशीन से होता है फ्लैक्स बैनर प्रिंट। तो गाइस, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है आपके इधर किस सिस्टम से बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं, इसमें सारे जितने भी बैनर डिजाइन होते हैं उधर से यहाँ पे भेजते हैं मेरे फाइल पे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से उस फाइल से रिपिंग होगा, फिर इसके बाद मशीन प्रिंट पे जाएगा। चलिए आगे आगे का दिखाते हैं अभी आप लोगों को। देखिए फाइल है, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए इतने सारे बैनर का डिजाइन है, देखिए भेजी हुई है, देखिए। तो इसको अभी हम लोग पीपी फोल्डर में ले जाएंगे, जहाँ से यहाँ प्रिपेयर होता है, रिपिंग होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रिंट के लिए भेजेंगे। देखिए ये दिख रही है रो आपको, ये 8x4 इंच का है, फिट का है, 8x4 फिट का है दोस्तों। तो देखिए, इसको अगर अल्टी पल्टी करना, देखिए इस तरह से है, इसको घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं। अगर 4 फिट मीडिया तरफ से प्रिंट करेंगे तो फिर 4 फिट तरफ ऐसे घुमा सकते हैं। अगर हम लोग इसको 8 फिट में प्रिंट करेंगे, 8 में, ये देखिए 8 ऊपर में, देखिए 96 मेरा आपको दिख रही है, 96x48 इंच। तो ये 8 इंच मीडिया में प्रिंट होगा। तो यहाँ से इसको ओपन करके बस सेंड कर देना है। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा, अभी ये प्रोसेसिंग होकर डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर इसके बाद इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ डिजाइन बनने के बाद। फिर अभी उधर मीडिया लगेगा दोस्तों, और देखिए पीछे की ओर मीडिया दिख रहा है आपको, वो मीडिया सब वहाँ पे लगाएंगे। और इस तरफ फिर प्रिंट निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मीडिया लगाते हैं, फिर आगे का फिर आप लोगों को दिख। ये देखिए यहाँ पे स्विच दी हुई है, ये वाला नीचे की ओर, ये नीचे की ओर करेंगे और इसको ऑटो में डाल देंगे। देखिए घूमेगा, ये अपने आप राउंडिंग हो रही है। इसको फिर ऊपर की तरफ करेंगे, बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया गाइस। तो उतार दो रंजीत, ठीक है गाइस। देखिए दोबारा से देखें गाइस, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, देखिए खुल रहा है। ये ऑटो मोड में नहीं डालना, इसको नीचे करना है, वो खुल रहा है। फिर इसके बाद अभी ये वाला देंगे, ये देखिए, ये देखिए ये डंडा है, इसको यहाँ पे देंगे। ये विनाइल का बनाए हुए हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे सिकुड़ गया, ये वाला देंगे, इसको ऐसे देंगे, ये देखिए ये दोनों, देखिए यहाँ पे ऐसे दिए, चला नीचे उतर गया बस। तो ये देखिए अब इसको हम लोग ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ये खुलते जाएगा। देखिए बैनर ये खुल रहा, फिर इसको ये नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए मेन हेड है दोस्तों हम लोगों का। ये देखिए ये क्लिप लगाना ज़रूरी है दोस्त। ये जब ये हेड है इधर आती है ना, ये अगर उठ जाएगी तो इधर से हेड ऊपर हो जाएगा, बैनर उठ जाएगा, इसीलिए
ये दोनों साइड ये क्लिप रहती है। ये देखिए ये क्लिप यहाँ लगाना है, ठीक है, और ये इधर वाला है इसको भी यहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों ये लग गया क्लिप। अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए इसको यहाँ पे पर्स करेंगे, ये कलर पर्सिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कलर गिरेगा, ये देखिए मेरा हैंड यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए येलो निकल रहा है। फिर अभी साथ में आप लोगों को पर्स करके दिखा दे रहे, देखिए फिर ये मेजेंटा की है, अब ये सियान है, और इधर सबसे शुरू वाली ये क्यान बोलते हैं, इसको क्यान बोलते हैं, इसको सियान बोलते हैं, और ये मेजेंटा है, और ये येलो है। अब ये पर्सिंग कर लिए, अब इसको क्लीन करेंगे कपड़े से। यहाँ से मैं यहाँ अपने लिए कपड़ा सब रखा हूँ, देखिए इस तरह का कुछ भी कपड़े रखे हैं। कलर जो पर्स किया था ना दोस्तों, अभी इसको इस तरह से हाथ से ऐसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कलर उसका निकलेगा। या देखिए चारों को इस तरह से क्लीन कर देना, ठीक है। ये देखिए अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इंची टेप लगी हुई है दोस्तों, आपको अगर दिख रही है इंची टेप, उसके हिसाब से हम लोग मार्जिन सेट करेंगे। हम लोग को यहाँ से प्रिंट करना है या यहाँ से प्रिंट करना है। ये आठ फीट का मीडिया है दोस्तों, ठीक है, दो इंच मेरे को इधर करना है, तो अब मेरे को यहाँ से प्रिंट करना है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे मीटर दिखी गई है, 26 लिखी हुई, लेकिन ये सेंटीमीटर में मेरा सेट किया हुआ है, तो इसीलिए ये यहाँ पे 224 है, तो मैं यहाँ पे 240 मार्जिन दूंगा वहाँ। अभी चलेगा इससे चलते हैं वहाँ पे, मोनिटर पे वहाँ पे मार्जिन देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे आप गाइज ये मीडिया को देखें, यहाँ से प्रिंट होगा या यहाँ से प्रिंट होगा, देखिए इसको आगे पीछे करेंगे मीडिया को, तो मेरे को इतना दूर कम से कम देना, यहाँ तक से प्रिंट करना, इतना गैप रखना, तो उसके लिए यहाँ से गाइज इसको आगे पीछे होगा। देखिए देखिए मेरे मैं आगे तरफ करूँगा दोस्तों, तो देखिए वहाँ पर आगे मीडिया आगे बढ़, फिर इसको प्रेस करने से पीछे हो जाएगा, देखिए उसको आगे पीछे करके इसको सेट कर दिया। अब दोस्तों जितना भी क्रिपिंग क्या हुआ, जो बैनर सब होता है दोस्तों यहाँ पे आता है। देखिए अब मेरे को ये 8x4 को करना है, तो इसको मैं इसे क्लिक कर दूँगा, देखिए कंप्लीट हो रहा है। देखिए बैनर यहाँ पे आ गया मेरा, अब ये प्रिंट दिख रही है, दबा देंगे इधर प्रिंट भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए बैनर है, तो मार्जिन दिए हैं, आप देखिए प्रिंट स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये देखिए इस तरह से प्रिंट हो रहा, ये 8x4 का बैनर है। अब थोड़ा मैं आप लोगों को दूर से दिखाता हूँ, और ये गाइस ये देख रहे हैं ये फ़ैन है, ये जो जितने भी दिख रही है ये सब फ़ैन है, इसका स्विच ये वाला है, मैं इसको ऑन करूँगा। ये बैनर ये अभी तो कलर प्रिंट जस्ट दिए है ना गाइस, तो गीला रहा था, तो इसको सुखाने के लिए ये फ़ैन हम लोग चलाएंगे, उसके लिए ये वाली स्विच है, इसको ऑन करने। देखिए फ़ैन चला, ठीक है, ये देखिए दोस्तों फ़ैन चल दिया, अभी सुखा रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे प्रिंट चल रहा है, देख रहा है। तो दोस्तों ये वाली पेन है ना, ये पेन है, ये मेरा बहुत स्लो है, ये ठीक से सुखा नहीं पाता है, ये सूखता नहीं है ठीक से दोस्तों। अब इसको इधर बाहर करते हैं, ठीक से सूखता नहीं है दोस्तों, ये पेन से ठीक से सूखता नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पेन रखूँगा, इसको मैं टेबल पर रखूँगा। प्रिंट हो रही है,
और ये जो पहले का बिना लिए प्रिंट करके रखा हुआ है ये देख सकते हैं। ये देखिए अभी ये प्रिंट हो गया दोस्तों, ये बैनर। अब ये वाला फ़ैन देखिए, इसको चलाएंगे, इसको सुखाने के लिए वाला फ़ैन चलाएंगे। सुखाने अभी फ़ैन चल रही है दोस्तों, देखिए। और देखिए दोस्तों, मेरा भाई अभी डिज़ाइन करने के लिए बैठ गए, फिर अभी डिज़ाइन करेंगे स्टाइल। ये मेरा सूख जाएगा, फिर इसको उतार देंगे। अभी ये 4 फीट का मीडिया चढ़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग, मार्जिन सेट कर दिए। अब ये 4-2 का प्रिंट होगा दोस्तों, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मार्जिन डाल दिया, प्रिंट फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ से के लिए रेडी करेंगे। और ये बच्चों का फोटो है दोस्तों, ये देखिए। अब ये प्रिंट हो रही है, देखिए गाइस, देखिए गाइस, प्रिंट हो रहा 4-2 का। ये फोटो है, ये वॉलपेपर बच्चों का फोटो है। प्रिंट होने के बाद इस तरह से निकलेगा दोस्तों बैनर, देखिए इधर प्रिंट हो गया और इधर काट के इधर सुखाने के लिए रख दिया। ऊपर भी सेलिंग फैन चल रही है। तो आप लोगों को मेरा ये टेक्नीशियन ब्लॉग वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियोज़ इस तरह से आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो गाइस मिलते हैं अगले नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।